इस आदमी को एक महिला भूत विमान के बाहर उड़ती हुई नजर आती है। वो महिला उस आदमी की ओर अपने हाथ बढ़ाती है जैसे कि ये उस आदमी को पकड़ना चाहती हो। यह आदमी डरकर अपना सिर घुमा लेता है लेकिन इसके पीछे सब कुछ सामान्य होता है। अब एक बार फिर से सैम ने उस खिड़की के बाहर देखा तो वो महिला अभी भी उड़ रही होती है। उस महिला को और पास से देखने के लिए सैम जैसे ही खिड़की के करीब गया तभी अचानक वो महिला एक झटके में सैम के सामने आ जाती है। इन सबसे सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। अब सैम वहां से बाथरूम में आ जाता है। ये अपने आप को शांत करने के लिए खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारने लगता है लेकिन अगले ही पल इसे शीशे में एक और भूत दिखाई देता है। अब सैम इतना डर जाता है कि वो बाथरूम से बुरी तरह चिल्लाने लगता है। सैम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि उसे इस विमान से उतार दे। विमान में बैठे लोग किसी तरह सैम को शांत करके सीट पर बैठा देते हैं। सैम की तरह डेविड को भी खिड़की के बाहर एक महिला भूत उड़ती हुई नजर आती है। अब भूत को देखकर डेविड इतना डर जाता है कि वो ब्लैकआउट पैनल को नीचे खींचकर शांत होकर बैठ जाता है। इसी विमान में एना नाम की लड़की ने जब शेल्फ खोला तो तभी एक डरावनी महिला भूत इसकी कलाई पकड़ लेती है। अब डर कर एना नीचे गिर जाती है लेकिन अचानक एना खुद को टेलीपोर्ट होकर एक अलग जगह पर पाती है जहां इसे अपने हाथ में एक बच्चे को लिए एक महिला भूत दिखती है। वो महिला भूत एना को कहती है कि इस विमान में खूनी बैठा हुआ है।